हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बाउल। आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कप तिल लिया है और इसी के साथ मैंने लिया है 3/4 कप गुड़, और इसी के साथ हम लेंगे 1 चम्मच घी। और यहाँ मैंने कुछ पिस्ता टुकड़ी भी ली है, ये ऑप्शनल है। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो अब सबसे पहले गैस पर एक पैन रख देना है, उसमें मैं तिल डाल रही हूँ। अब तिल को हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम लो फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसी पैन को हम दोबारा से गैस पर रख देंगे और उसी में हमें गुड़ डाल देना है। तो यहाँ मैंने गुड़ इसमें डाल दिया है और साथ में इसके मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी, ताकि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए और ये जले भी ना। तो अब इसे कंटिन्यू चलाते रहना है हमें, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाना है। तब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गुड़ के अंदर झाग बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए, गुड़ में झाग बनना शुरू हो गए हैं। तो इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ बॉल में पानी लेकर मैं इसमें गुड़ की चाशनी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से फैल रही है। तो इसका मतलब हमारा गुड़ अभी रेडी नहीं है, इसे हमें 1-2 मिनट के लिए और पकाना है। इसकी एक थोड़ी सॉफ्ट सी बॉल बन जानी चाहिए, तब हमारा गुड़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ अब 1-2 मिनट के बाद हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी है। तो अब मैंने इसमें तिल डाल दिए हैं, गैस से इसको नीचे उतार लिया है मैंने, और इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है, पिस्ता भी डाल दिया है, और साथ ही इसमें मैंने घी भी डाल दिया है। तो अब सब चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब सब चीज़ों को हमें गुड़ के साथ में थोड़ा जल्दी जल्दी मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि लड्डुओं को शेप हमें जब मिक्सचर गर्म रहेगा तभी देना होगा, नहीं तो ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद इसको शेप देना शुरू करें। तो यहाँ मैंने हाथ पर थोड़ा सा पानी लगाया है, उसके बाद मैं हाथ में इस तरीके से मिक्सचर ले रही हूँ और इसे हल्के हाथ से बिल्कुल बाइंड करते हुए मैं लड्डू का शेप दे दूंगी। तो ये देखिए, हमारा लड्डू तैयार हो गया है। तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा पानी लगाएं और फिर लड्डुओं को हल्के हाथ से बांधना शुरू करें। तो यहाँ मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो मैं इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं, बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस मकर संक्रांति आप भी तिल गुड़ के लड्डू बनाकर एंजॉय करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।